उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान, कहीं कहीं बर्फबारी के भी आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में झमाझम बरसेंगे बादल। और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में 5 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। मध्य भारत में भी कहीं कहीं तापमान में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और इसके साथ साथ कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की चाल, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी गरज के साथ कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के कुछ इलाकों में भी आज बर्फबारी का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां भी कल कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन अलग अलग जगहों पर ओले पड़ने का अंदेशा है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ सकते हैं। असम और मेघालय में भी कल कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में 5 डिग्री तक तापमान में इजाफा हो सकता है। वहीं मध्य भारत और महाराष्ट्र में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिन मौसम में। अब आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जी हाँ, देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड में भी आज और कल इक्का दुक्का जगह बारिश होगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। झारखंड और ओडिशा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि असम और मेघालय में कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार नहीं है। वहीं विदर्भ में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। हालांकि कोंकण और गोवा में आज इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि तेलंगाना में आज और कल मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। वहीं रायलसीमा के कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन बारिश का अंदेशा है। बात करें तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की तो यहां पर आज कुछ जगह तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि लक्षद्वीप में आज और कल बारिश नहीं होगी। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। तो जाना आपने अगले 2 दिन बारिश की अगर बात की जाए देश के किन हिस्सों में हो सकती है, लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों की तो देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं।
तटीय कर्नाटक और उत्तरी यांत्रिक कर्नाटक में कुछ जगह गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिणी यांत्रिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगह झमाझम बादल बरसे। कराईकल में भी कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं तटीयांध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो यहां भी कुछ स्थानों पर पानी बरसा। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, अधिकतम न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए, क्या स्थिति दर्ज की गई देश के अलग अलग हिस्सों में, इसका जायजा लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उधर सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। ऐसा ही तापमान हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में कई जगह और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। रायलसीमा में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगह तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं बिहार के कई इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं इसके विपरीत गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्ज किया गया। यहां तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश, तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, और सीधे तौर पर जो मौसम है हमारी कृषि यानी फसलों को भी प्रभावित करता है। ऐसे मौसम में आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें, यही उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उड़द और मूंग की फसल अगर तैयार हो गई है तो उसकी कटाई कर सकते हैं। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में किसान इस समय गन्ने की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही गन्ने की खड़ी फसल में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। वहीं तिल की बुआई कर सकते हैं, इसके साथ ही मूंगफली की बुआई भी आंध्र प्रदेश के किसान इस समय करते रहें। अभी कपास के खेत की देखभाल करें, इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। आंध्र प्रदेश में पपीते में कीटों से बचाव के लिए वैज्ञानिक की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। दूसरी ओर तेलंगाना में तिल और बाजरे की बुआई कर लें। तिल और बाजरे की खड़ी फसल में सिंचाई करते रहें, यही सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। पहले से बोई जा चुकी सूरजमुखी में सिंचाई का काम कर लें। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई करें। मूंग और उड़द की खड़ी फसल में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में ही धान के खेत में खरपतवार निकाल लें। किसान बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। लाल मिर्च और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें, साथ ही मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं सीताफल के बारे में। जी हाँ, इसकी खेती अगर आपको करनी है, किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी जो इसकी किस्म है वो सबसे अच्छी रहेगी और कैसे आप इसकी अच्छी उपज ले सकेंगे, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में दो बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे एक हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इसे एक हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान एक हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है जिसका वजन 4.5 किलो तक हो सकता है। सीताफल की एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप सीताफल की बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से ओडिशा की। यहाँ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ओडिशा में धान की कटाई कर लें, मूंग और उड़द की बुआई करें ओडिशा के किसान। ओडिशा में ही मूंग और उड़द में जरूरी उर्वरक डालें। बैंगन के खेत में इस समय निराई कर सकते हैं। ओडिशा में फूल गोभी की बुआई करते रहें। टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर लें। मूंगफली में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। ओडिशा के किसान सूरजमुखी की बुआई करें। सूरजमुखी की खड़ी फसल में सिंचाई कर सकते हैं।
इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम के लिहाज से क्या रहेगा खास, लेकिन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल की। जी हां, मौसम के लिहाज से यहां किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इलायची के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में संतरे की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए। पश्चिम बंगाल में गोभी के खेत में निराई करते रहें। आलू की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। पश्चिम बंगाल में सरसों के खेत में सिंचाई करें। अदरक के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हल्दी के खेत में निराई कर लें। अदरक और हल्दी के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें। और आइए अब मौसम खबर में नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी गरज के साथ कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर लद्दाख और आसपास के कुछ इलाकों में भी आज बर्फबारी का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां भी कल कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन अलग अलग जगहों पर ओले पड़ने का अंदेशा है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ सकते हैं। असम और मेघालय में भी कल कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में 5 डिग्री तक तापमान में इजाफा हो सकता है। वहीं मध्य भारत और महाराष्ट्र में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।